एक बात बताओ मुझे, तुम हर वक्त खाते रहते हो, दुश्मनों को मुसलसल मारे जा रहे हो, हमने तुमको भालू क्या कह दिया, तुम तो वाकई भालू बन गए हो। भाइयों, तुम मेरी सूरत देखकर कभी धोखा नहीं खाना। तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे इस अजीम वजूद में कितनी कहानियां, कितने ख्वाब छुपे हुए हैं। हमें भी तो सुनाओ ताकि हमें भी तो पता चले वंशी भाई। इजाजत है मेरे प्यारे भाई? इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है वंशी। बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे भाइयों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ये हकीकत है या फसाना ये तुम कभी नहीं पूछोगे, ठीक है भाइयों? ठीक है भाई। शुक्रिया मेरे भाइयों। तो अब सुनो, एक दफा का जिक्र है, डेली दुमरुल नाम का आदमी जो बहुत बहादुर था। मेरे भाइयों, वो बहादुर आदमी बहुत ही जीदार भी था, मगर इन सब बातों से पहले वो बहादुर चट्टान की तरह मजबूत जंगजू था। इतना ताकतवर था कि अपने एक हाथ से पूरे पहाड़ को हिला दे और अपनी तलवार के वार से चट्टान रेजा रेजा कर दे। आगे सुनो भाइयों, एक दिन उसने एक सूखे हुए चश्मे के ऊपर बड़ा सा पुल बना डाला। एक सूखे हुए चश्मे पर पुल बनाने का क्या फायदा भाई? मेरे भाइयों, वो इतना समझदार था जितना हमारे कबीले में सिर्फ दुआन भाई है। खैर तो मेरे भाइयों, डेली दुबरुल ने सूखे हुए चश्मे पर पुल बना डाला और पुल को इस्तेमाल करने वाले से 30 सिक्के लेता और जो इस्तेमाल नहीं करता जबरदस्ती जोरों जबर से उससे 40 सिक्के लेता। इसीलिए उसे लोग दीवाना कहते थे और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने ना कर सके। फिर मेरे भाइयों, अचानक एक दिन करीब के कबीले में एक आदमी की वफात हो गई। वहाँ सब लोग आहू भुका कर रहे थे, बहुत अफसरदा थे, और जब ये खबर डेली दुमरुल के कान तक पहुँची वो फौरन वहाँ पहुँचा। जब उसने देखा तो लोगों से पूछा, इस बहादुर आदमी को किसने मारा है? लोगों ने कहा कि इसका वक्त पूरा हो गया था तो इसलिए इजराइल आए और इसकी जान लेकर चले गए। तो मेरे भाइयों, दीवाना डेली दुमरुल ताकतवर और मजबूत तो बहुत था, लेकिन अकल इस्तेमाल करने में बिल्कुल दुआन भाई की तरह था। उसने पूछा कि कौन है इजराइल, वो कैसे कबीले में किसी आदमी की जान ले सकता है। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ करने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, इजराइल को मेरे सामने जाहिर कर दे ताकि मैं इजराइल से लड़ सकूं, जंग कर सकूं और उससे इस आदमी की जान वापस ला सकूं। उसने ये अल्फाज कहे और वहाँ से वापस चला गया। उसने चलना शुरू किया, वो चलता रहा चलता रहा, और चलते चलते जानते हो अचानक उसने किसको देखा? अब तुम ही बता दो उसने किसको देखा। मलकुल मौत को। हाँ तो मेरे भाइयों, जब दुमरुल दीवाने ने इसराइल पर हमला करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे फौरन ही मुंह के बल नीचे गिरा दिया। मेरे भाइयों, जैसे ही वो उस दीवाने की रूह कब्ज करने लगे, उसी वक्त दुमरुल दीवाना हवास में आ गया और उनके सामने मिन्नत करने लगा, मुझे छोड़ दे, मेरी रूह कब्ज मत कीजिए।